आप सभी का स्वागत है अम्मा की रसोई। आज हम सहजन की सब्जी बनाने जा रहे हैं। सब्जी में क्या क्या चीज़ें पड़ती है वो आज आपको बताएंगे। सहजन हमने लाए, इसको 2 इंच का पीस काट लिए और इसका छिलका सारा निकाल दिए। उसके बाद धुल के इसको रख लिए। उसके संग आलू काटे हमने, उसको धुल के रख लिए। फिर हमने 4 टमाटर प्याज काट लिए हैं। इसमें हल्दी, धनिया, मिर्चा, लहसुन, अदरक का पेस्ट बना लिए हैं। जीरा है, तेज़पत्ता है, धनिया काट के रख लिए हैं। अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल अपने अनुसार डालेंगे कि सब्जी अच्छे से मसाला पक जाए। इसमें हम जो है जीरा डालेंगे 1/2 चम्मच। तेज पत्ता भी 2 पीस डालेंगे। अब इसमें हम कटा हुआ प्याज डालेंगे। इसकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है, बहुत मज़ेदार बनती है, खाने में बहुत अच्छी लगती है। आप रोटी से भी खा सकते हैं, चावल से भी खा सकते हैं। अब प्याज अच्छे से भून चुके हैं, थोड़े हल्के ब्राउन कलर के हो गए हैं। अब हम मसाला डाल रहे हैं। इसमें हल्दी, धनिया, मिर्चा, लहसुन, अदरक का पेस्ट था। मसाला पक गया, तेल छोड़ दिया मसाले ने। अब हम टमाटर की चीज़ ऐड करेंगे जो हमने 3 टमाटर से बनाई थी। देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए हमारी मसाला हमारा तैयार हो गया। अब हम आलू डालेंगे, फ्राई करेंगे थोड़ा, मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर हम सहजन की फली डाल रहे हैं। फिर से इसको फ्राई करेंगे जिसमें ये तो मिक्स हो जाए, बढ़िया से पक जाए। आधा लीटर हमने पानी लिया है। पानी भी अपना रसे के अनुसार जो है ले सकते हैं। क्योंकि पकने में पानी रसा थोड़ा सूख जाएगा, इसलिए थोड़ा पानी हम इसमें ज़्यादा डालेंगे। टमाटर का बचा हुआ पानी है। पकने पर रसा थोड़ा कम हो जाता है। अब हम डालेंगे अपने अनुसार नमक 1/2 स्पून और छोटा स्पून चम्मच गरम मसाला।
अब हम थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट के लिए ढक देंगे। अब इसको देखते हैं सब्जी पक गई होगी। इसको निकाल के तो दाग के देखेंगे पक गई। अब इसमें हम हरी धनिया डालेंगे। इसको गैस बंद कर दो। देखिए आपकी सहजन की सब्जी, सहजन आलू की सब्जी तैयार हो गई। बढ़िया फर्स्ट क्लास हमारी आलू सहजन की सब्जी तैयार हो गई है। आप इसे रोटी से खाइए, चावल से खाइए, खाने में बहुत अच्छी लगेगी। और आशा करते हैं कि आलू सहजन की सब्जी बहुत अच्छी लगी होगी। तरह की और भी रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।